कैलकुलेशन पिछले क्लास में नोड्स वगैरह का कैलकुलेशन हमने कर लिया है ना। ठीक है, नाउ एक छोटा सा पार्ट और बचा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ये जो है ना ग्राफ कैसे बनते हैं उस पर हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं ना। ग्राफ वाला पार्ट जो है ना वो कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेंगे, तो अब हम लोग ग्राफ्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राफ्स के क्वेश्चन थोड़े थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस सब सेल के, एस सब सेल के ग्राफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो एस सब सेल में अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम लोग पहले वन एस का ग्राफ खींचते हैं। तो ये साई जो वन एस का ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली ऐसे आएगा इस तरीके से, है ना। जीरो पर जहाँ पे न्यूक्लियस है ना, जहाँ पे आर इक्वल टू जीरो है वहाँ पे मैक्सिमम होता है, न्यूक्लियस के पास इसका ग्राफ मैक्सिमम होता है। और फिर वन एस का ग्राफ कहीं पे एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। क्यों नहीं करता एक्स एक्सिस कट, क्योंकि एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। रेडियल नोड नहीं है इसके पास, होता तो इसके पास एंगुलर नोड भी नहीं होता है ना, इसका रेडियल नोड है ना एंगुलर नोड है, इसलिए एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, है ना, आ रहा बस वन में। ठीक है, अब हम लोग यही ग्राफ किसके लिए खींचते हैं, टू एस के लिए खींचते हैं मान लो। तो टू एस के लिए अगर ये ग्राफ साई टू एस के लिए खींचा जाए तो टू एस में कितने रेडियल नोड होंगे, टू एस में कितने रेडियल नोड होंगे बताओ, टू एस में कितने रेडियल नोड होते हैं। वन होंगे, ठीक है, तो वन होंगे। ठीक है, वन रेडियल नोड होता है क्योंकि आप टू एस में एन माइनस एल माइनस वन कैलकुलेट करेंगे तो टू माइनस जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन रेडियल नोड होगा। वन रेडियल नोड का मतलब क्या निकलेगा, वन रेडियल नोड का क्या मीनिंग निकलेगा, है ना। टू एस का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, आर वाली एक्सिस कितनी जगह पे कट करेगा बोलो। हाँ, एक जगह पे, वन पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। कट करने के बाद जब पॉइंट पे कट करे लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना, कट तो करेगा लेकिन ग्राफ जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों, ऐसे करके बस यूं यूं कर देना। आ रहा है फील इस बात का, है ना, इस तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ पे। ये क्या है, आर बराबर आर वन एक मान लीजिए, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, इस वाले पॉइंट पर रेडियल नोड आएगा। ऐसे ही अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे, इसका साई फंक्शन का, साई थ्री एस का ग्राफ खींचोगे, थ्री एस में कितने कितने रेडियल नोड आएंगे, थ्री एस में एन माइनस एल माइनस वन कितने आएंगे, थ्री माइनस जीरो माइनस वन कितने, दो आएंगे। दो रेडियल नोड का मतलब है ये इसका ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करेगा, इसका ग्राफ दो पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट पे पहले ये कट कर नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर भी आएगा, जब ऊपर आएगा तो दूसरे पॉइंट को कट करेगा, फिर जाके फिर यू इन्फिनिटी पे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो पॉइंट ये मिल रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला जो पॉइंट है, ये एक आर वन डिस्टेंस पर है और ये एक आर टू डिस्टेंस पर है। ये भी क्या है, ये भी रेडियल नोड है, ठीक है, ये भी रेडियल नोड है और ये भी रेडियल नोड है, दोनों ही रेडियल नोड है। ये सुनो बोलो, हाँ कोई समस्या, किसी को बनाने में समझ में आ जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी कि एस ऑर्बिटल का ग्राफ जो है ना वो, क्योंकि एस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस मैक्सिमम होती है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की पेनेट्रेशन पावर जो होती है ना, पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है न्यूक्लियस के पास काफ़ी ना, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होती है, तो उनका पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल नियर द न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसीलिए एस ऑर्बिटल के जो ग्राफ होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, जीरो पे क्या है, मैक्सिमा है। ये तो साई का ग्राफ हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं किसका, साई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो साई स्क्वायर अगर वन एस का ग्राफ बनाया जाए तो क्या चेंज आएगा बोलो, साई वन एस स्क्वायर, साई स्क्वायर याद है क्या होता,
साई तो आपका एम्पलीट्यूड था, साई स्क्वायर क्या था बोलो? साई स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ जैसा था वैसे ही बना रहेगा, बस थोड़ा सा जो है ना वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऐसे करके, यूँ खींच लेते हैं वाई एक्सिस इस तरीके से आ जाता है ना, आर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बारी है कि हम लोग इसको बनाए, किसको बनाए, साई स्क्वायर 2s को बनाए। इसमें जरूर तुमको थोड़ा सा दिखाई देगा चेंजेस, साई 2s का होल स्क्वायर है ना, इसमें क्या होगा? यस, प्रोबेबिलिटी डेंस, प्रोबेबिलिटी में ये जो ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट नेगेटिव था और ये वाला पार्ट पॉजिटिव था, तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना वो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा है ना, ये वाला जो पार्ट था ये वाला पार्ट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आ रही बात फील आ रही सब लोगों का ना? साई स्क्वायर वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट। तो आप देख लेना कि अगर मतलब सभी पार्ट ऊपर ही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो साई स्क्वायर का ही ग्राफ होगा। अब यहां से क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पर ये था, तो जहां पे साई जीरो था वहीं साई स्क्वायर भी जीरो होगा, या सुनो। हाँ तो लेकिन अभी एक थोड़ा ग्राफ आगे पीछे बन गया तो इसको ऐसा छोड़ देते हैं ऐसे करके, लेकिन मैंने बता दिया। तो आर इक्वल टू आर वन पर ही क्या होगा, एक मिनट क्या हो गया, रुको। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितने आर एच नॉट पे आता है बोलो? ये आता है आपका 5 RH नॉट पे आता है ना, ठीक है, और 2 RH नॉट पे नहीं आता है, 5 RH नॉट पे आता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिस्कशन किसका कर दिया, मैंने डिस्कशन कर दिया आपका किसका, एस सबसेल का कर दिया ना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पी सबसेल, पी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा है ना। तो पी सबसेल की अगर हम बात करें तो पी सबसेल में आप लोग को ग्राफ याद है, उसमें एक आर का फंक्शन हुआ करता था, याद है आप लोगों को? ये आपको आर दिख रहा है, आर का टर्म दिख रहा है यहाँ पे, पी में दिख रहा है सिग्मा आर, या सुनो। हाँ ये भी आर का दिख रहा होगा, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ ये आर का टर्म, आर दिख रहा है ना, आर दिख रहा है ना, 4 माइनस सिग्मा आर तो है, लेकिन साथ में सिग्मा आर का एक टर्म और आ रहा है ना। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये ग्राफ दिखा के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये बात समझ में आ रही है आपको कि पी ऑर्बिटल के ग्राफ जो साई फंक्शन होगा, पी ऑर्बिटल का जो साई फंक्शन होगा वो ओरिजिन पे क्या होगा, आर इक्वल टू जीरो पे क्या होगा बोलो? आर इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, वो जीरो होगा। जबकि एस ऑर्बिटल का ग्राफ आर इक्वल टू भी जीरो, आर इक्वल टू जीरो पे नहीं था, क्या था, मैक्सिमम था। तो यहां से आप एक बात समझ सकते हो, शील्डिंग वगैरह की बात भी समझ सकते हो आप यहां से, कि न्यूक्लियस के पास कौन से इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसका साई ज्यादा होगा। यार साई किसका ज्यादा है न्यूक्लियस के पास, 1s का ज्यादा है, s का ज्यादा है भाई, s के तो सभी, s के तो चाहे 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो चाहे 4s हो, सबके सभी के ग्राफ ओरिजिन पे क्या थे, मैक्सिमम थे ना यार, r इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम थे, फिर घटते हैं। लेकिन p के ग्राफ क्या होते हैं बोलो? p के ग्राफ तो r इक्वल टू जीरो पे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक लगता है आपको? पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं है ना, और उसको आप किससे समझा सकते हो बोलो? उसको आप ये साई फंक्शन से समझा सकते हो, यही बेस्ट तरीका है समझने का, यही बेस्ट तरीका है समझने का है ना, सबसे अच्छे तरीके से इसे ही समझाते हैं। ठीक है, तो पी सबसेल का जो ग्राफ होगा, आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो कि पी सबसेल का ग्राफ जो होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो आर इक्वल टू जीरो पे जीरो होंगे ओरिजिन से स्टार्ट। तो मैं साई टू पी को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो साई टू पी का ग्राफ कहाँ से चालू करेगा, यहाँ से चालू करेगा। ठीक है, यहाँ से यूँ उठेगा ऐसे करके चलेगा है ना, यूँ उठेगा। अब इसका जरा रेडियल नोड निकाल के देखो, एन माइनस एल माइनस वन, तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 जीरो, रेडियल नोड जीरो आ रहा है, इसका क्या मतलब है? टू पी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड जीरो आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है, ग्राफ में इस बात का क्या मतलब है?
ग्राफ में इस बात का क्या मतलब है कि 2p का ग्राफ क्या होगा, बोलो। 2p का ग्राफ जो r वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? येट डज नॉट, इट नॉट, डोंट कट द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। तो बस ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे चला जाए। ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम इसकी बात करें, साई 3p की बात करते हैं, है ना? साई 3p की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो ग्राफ कहाँ से चालू करेगा, एक तो ग्राफ यहीं से चालू करेगा ऐसे, है ना? और 3p को अगर आप रेडियल नोड देखोगे तो क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, बोलो, 1 हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, कितनी जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट करेगा, और उसके बाद ऊपर से, उसके बाद ऊपर नहीं आएगा ना, एक जगह पे कट करेगा फिर ऊपर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ग्राफ इस तरीके से भी बनाइए, और एक बार नीचे भेज के ऊपर मत लाना, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, अगर आप 3p के बाद 4p का ड्रॉ करना चाहते हो, तो 4p में कितने रेडियल नोड आएंगे? 4p के रेडियल नोड आएंगे, 4p के अगर रेडियल नोड निकालोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, तो दो जगह पे कट करेगा। तो बस ठीक है, ऐसे करके उठाओ इसको और दो जगह पे कट करा के आगे भेज दो। तो अब मेरे ख्याल से अब तो आप बना ही लोगे, अगर मैं साई स्क्वायर के, अब मैं इसके बाद में साई स्क्वायर के ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी, साई स्क्वायर के ग्राफ बना देता हूँ। साई स्क्वायर 2p का ग्राफ बनाते हैं, तो साई स्क्वायर 2p क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी 2p, नॉट द 2s, और अगर आपने इसका बनाया साई स्क्वायर 3p का, ठीक है, तो ये एक जगह कट करेगा और फिर ही हो जाएगा, है ना? एंड सो ऑन। आपको दूसरा वाला कैसे बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि प्रोबेबिलिटी वाला बना लो, तो प्रोबेबिलिटी वाला ही बन ही जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने साई का ग्राफ बना दिया, गलती कर दी, गलती कर गया, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, गलत कर गया। यस यस यस, ये गलत कर गया हूँ, सॉरी सॉरी, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था, यहाँ से यहाँ ऊपर करना है ऐसे करके, ये यस 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 यस, सॉरी। अब ठीक है, ओके, अब ठीक है, ठीक है, पहले मैंने गलत कर दिया था, इसी तरीके से सॉरी, ये भी गलत किया है यहाँ पे, ठीक है।
ना इस तरीके से बन जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। ऐसे ऐसे ही आप क्या कर लो, प्रोबेबिलिटी वाले, प्रोबेबिलिटी वाले भी जीरो से ही स्टार्ट होंगे तो बन जाएंगे, प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ भी बन जाते हैं ना। तो ये आपका क्लियरिटी पूरा, मैंने ग्राफ राफ वाला भी सारा क्लियरिटी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वगैरह कर लेना, हो जाएंगे आपसे। तो ये तो खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। ये तो हो गया भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाकी कुछ और बातें हैं तो बता देते हैं। टूपी का जो मैक्सिमा आता है, टूपी का जो मैक्सिमा आएगा, ठीक है, मैक्सिमा जो आता है वो 4 RH0 पे आता है, और 3P का जो मेरे पास मैक्सिमा लिखा हुआ है वो 12 RH0 पे आता है। कर लो, ठीक है, हो गया। चलो एक काम हो गया ये। अब क्या करें, नया टॉपिक शुरू करें। दिख रहा है, पैराग्राफ फॉर द क्वेश्चन 6 to 8। तो 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है ना ये आप करो, अटेम्प्ट करो, 2 मिनट पे बताना। आंसर तो सामने लगे हुए हैं वैसे तो, लेकिन आप बताइए मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे, करके बताओ। अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अलाइव 2+ आयन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विद 1 रेडियल नोड अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन टू अ स्टेट ऑफ S2। द स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो जरा, करो अटेम्प्ट और मुझे बताओ आप क्या कर पा रहे हैं, फिर मैं पूछूंगा किसका किसका आंसर आ रहा है। करो, ये अच्छा क्वेश्चन आया था IIT के अंदर। अरे आया किसी का आंसर? S2 जो ऑर्बिटल है उसका नाम बता सकते हो आप मुझे? हाँ सर उसमें भी 1 रेडियल नोड है तो वो भी 2s, नहीं 2s नहीं, उसको कहा जा रहा है, कह रहा है S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मेन बात है, यस सर। कौन सा है ये पता है? ये और S ऑर्बिटल में 2s के अलावा और कहाँ पे 1 रेडियल नोड मिल सकता है इस पर से का? टू एस के अलावा 1 रेडियल नोड और कहाँ मिल सकता है? 2s के अलावा 1 रेडियल नोड कहाँ मिल सकता है? यस, 3p में मिल सकता है, 3p में मिल सकता है। यस सर। तो n इक्वल टू 3 हो गया, l इक्वल टू 1 हो गया, तो n माइनस l माइनस 1 कितना हो जाएगा?
-1 -1 कितना 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा। तो जो S1 स्टेट थी आपकी वो कौन सी थी, वो 2s ऑर्बिटल थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और वो S2 स्टेट पे गया, और S2 स्टेट कौन सी थी, 3p ऑर्बिटल थी, थ्री हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पहुंचा होगा। 3p ऑर्बिटल में n इक्वल टू कितना है, 3। और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बोर एटॉमिक थ्योरी में, वो होता है -Z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस ठीक है, इस क्वेश्चन में जो जेड की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिथियम डबल प्लस आयन दिया हुआ था, हाँ, इसलिए फ्री और होगा। एन की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि आपने 3p बोला हुआ है। जेड और एन बराबर है तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है किसकी, एच एटम की, होती है ना, होती। हाँ तो उसने यही यही तो कंडीशन दी हुई है, उसने यही तो कंडीशन दी हुई है। देखो आप ध्यान से क्या लिखा है, द है ना, बोलो पढ़ो यहाँ पे ये क्या लिखा है, द स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट S2, प्लेसिमोटल ये कौन सी होती है, नंबर पूछ रहा है, हाँ कौन सी होती है, ऑर्बिटल, प्लेसिमोटल नंबर पूछ रहा है, हाँ तो एजीमिथल वन क्वांटम नंबर ही है ये, है ना। तो हो जाएगा, एल की वैल्यू 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल की एल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ वन जाएगा, आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। यस सर। अब 7th में क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन द यूनिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, यही तो है, 13.6 हाँ 13.6 होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कौन से स्टेट के लिए काम करना है, S1 के लिए या S2 के लिए, सर, S1 था। S1 था, S1 में, S1 मतलब कौन सी ऑर्बिटल है अपनी, 2s 2s है, 2s में n का वैल्यू क्या होगा, 2 यस होगा, सर। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, हाँ फॉर्मूले वो से आ क्या होगी, गया। -Z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जेड की वैल्यू कितनी पुट करोगे यहाँ पे, 3, तो 9 हो जाएगा बाई 4, 1.4 × 13.6 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 9/4 कितना हो जाएगा, 2.25 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्या है वो एच एटम की एनर्जी है ना, तो 2.25 टाइम्स ऑफ EH0 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसका 2.25 टाइम्स आएगा, यस यही आपका आंसर था, ये आपका आंसर है। फिलाया है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, 2010 का जेई का क्वेश्चन है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। लोगों को अगर नहीं पता है, नहीं आता है, तो वो सोचे वो ऐसे ही चले जाएंगे, उठ के वो कराएंगे तो नहीं होगा उनसे, है ना, तो ऐसे तो नहीं होने वाला। ओके, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये करो 17 नंबर क्वेश्चन करो, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द स्फेरिकल सेल ऑफ इनफाइनेटली इनफाइनिटिसिमल थिकनेस डी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल इज 4πr² डी आर, द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द पी डिपेंडेंस ऑन आर, कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा, दिख रहा है, अभी अभी मैंने बनाया ही था, अभी मैंने डी बनाया था ना, ऑलरेडी डन है ना, हो ही चुका है ना, कर लोगे ना, आज ही किया, अभी किया अपन ने क्लास में प्रोबेबिलिटी वाला, पहले अपन ने साई बनाया था, और जो ए ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, ए वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ए वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, वो साई का है, और डी वाला ग्राफ कौन सा है ना, वो प्रोबेबिलिटी वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला साई स्क्वायर का भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं साई स्क्वायर का भी हो सकता है, साई स्क्वायर का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी वाला तो प्रोबेबिलिटी का ही होगा, तो आपका आ गया होगा समझ में ना।
सो ये करोगे वाला क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बोलो, मैच द कॉलम ये है तुम्हारे पास क्या? इसको करना आप लोग एक्चुअली, है ना, ये है आपके पास क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको करना आप लोग, है ना, क्योंकि इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, एक ही पेज पे नहीं आ पाएगा, इसके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं सामने, ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि उसको ऑप्शन से करेक्ट करना पड़ता है, ऑप्शन को देख के करना पड़ेगा, आप कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। जूम आउट करूं? जूम आउट कैसे होएगा यार, हाउ कैन इट बी जूम आउट? जूम आउट का क्या तरीका है? ऐसे इसको ऐसे कर दूं क्या? अब ठीक है, नहीं दिखेगा एक्चुअली, नीचे हिंदी है यार, एक्चुअली नीचे हिंदी वाला नीचे आ रहा है ना, समस्या ये है, फिर ये आ रहा है। सीट से कर लेना आप लोग, हाँ सीट में दे रखा है आपको, ये सीट में दे रखा है, इसको कर लेना, नहीं आया तो बताना मुझे, हो जाएगा यार, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, डोंट वरी, इट्स मैंने डूएबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे आपको रोक नहीं पाएगा, अगर किसी ने आपको ये साई फंक्शन और ये क्वांटम नंबर वगैरह क्वेश्चन दे दिया ना, 100% आप निपटा दोगे उसको, है ना, बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट हो गया आपका, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चलो। अब क्लास में ऑनेस्टली सभी लोग बिना उसके बता दें मुझे, कितने लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, मैं फटाफट पूछूंगा आपसे बस, है ना, काम काम का बात ही बात, डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना, है ना, क्योंकि आपको 13 के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, मतलब उसके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत कम है ना, अननेसेसरी का टाइम आता है ना। अच्छा चलो, आता तो सब लोगों को, किसको नहीं आता है, कोई ऐसा क्लास में जिसको नहीं आता हो, है ना, कोई ऐसा जो इसको नहीं आता हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं ना, तुम लोग फटाफट, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, चैट में बताते चले जाना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, बेसिकली क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या है। इट इज द इमेजनरी चार्ज, इमेजनरी चार्ज गेन बाई एन एलिमेंट वेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। इट इज द इमेजनरी चार्ज गेन बाय एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सी स्टेट क्या होती है कि वो इमेजनरी चार्ज होता है, कभी कभी रियल भी हो जाता है, कभी कभी रियल भी होता है, वो इमेजनरी चार्ज होता है जो कोई एलिमेंट गेन करता है जब वो अपनी एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है। जैसे ओ एटम है, तो ओ एटम की एलिमेंटल फ्री स्टेट बता सकते हो क्या होती है? हमारे नेचर में ओ एटम कैसे रहता है? ओ टू के फॉर्म में रहता है, O3 भी है बट अपन O2 लिख के चल रहे हैं। एच एटम का एलिमेंटल फ्री स्टेट क्या है? H2 के फॉर्म में रहता है। तो जब ओ एटम O2 के फॉर्म में है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज आएगा, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। जब एच एटम H2 के फॉर्म में है, एलिमेंटल फ्री स्टेट में, तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, मतलब उसकी ऑक्सीजन जीरो आएगी। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके वाटर बनाएंगे, तो वाटर बनाते समय क्या होगा? वाटर बनाते समय बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस डेल्टा को समझने के लिए हमने क्या किया, कुछ नंबर्स वगैरह डिसाइड करना देना चालू कर दिए। तो आप ये पाओगे कि इसके ऊपर में, ओ एटम के ऊपर में -2 चार्ज आ जाता है, इमेजनरी चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर में +1 आ जाता है, ऐसे करके इस तरीके से आ जाता है।
ठीक है, तो जो H2O में जो O एटम है और H एटम है वो कंबाइंड फॉर्म में है, तो जब भी कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट से कंबाइंड फॉर्म में जाता है तो कोई ना कोई चार्ज गेन करता है, वो चार्ज जो गेन करता है वो उसका क्या होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो चार्ज वो गेन करता है वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। आ रही बात समझ में, है ना, इस तरीके से रहता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब वो कंबाइंड फॉर्म में जाता है तो उसके ऊपर चार्ज क्यों क्रिएट होता है, उसका रीजन है, उसका आंसर कहाँ से निकलता है, उसका आंसर निकलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव और बॉन्डिंग का कंसेप्ट, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा वगैरह करने के, क्योंकि फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाना है। तो दो चीजों को आपको यूज करना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर जानने के लिए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आपका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इनको देख के आपको हमेशा चलना पड़ेगा। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपको आइडिया देंगे कि उसे अपना बॉन्ड बनाने वगैरह के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसने यूज किए हैं, क्या किए हैं, वो सब का आइडिया आपको यहाँ से लग जाता है। तो दो चीजों को आप अपना बेस बनाते हुए आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं और उसमें नेक्स्ट लिखते हैं, और वो है कि रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो सबसे पहला एटम जो है ना वो कौन सा एटम है, वो है एफ एटम, है ना। एफ एटम का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट बोलो भाई कितना होता है, लिखो। -1 होता है, सबको पता है। और कैसा होता है, ऑलवेज होता है। ठीक है, नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर है। -1 ही क्यों होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्डिंग करने के लिए, सात होते हैं एक चाहिए होता है इसको, तो मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो मैक्सिमम 1 नेगेटिव चार्ज गेन कर सकता है। अब बारी आती है ओ एटम की, ओ एटम का इन जनरल कितना होता है बोलो, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, बोलो कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है। माइनस में क्यों होता है, क्योंकि ओ एटम भी ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और -2 क्यों होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, मैक्स टू मैक्स नेगेटिव चार्ज इतना ही ले सकता है, तो अपन उसको कर देते हैं। परऑक्साइड में कितनी होती है इसकी, ऑक्सीजन की परऑक्साइड में बताओ, जैसे H2O2 है, Na2O2 है ना, BaO2 है, इनमें कितनी होती है, सब में -1 होती है, सबको पता है। परऑक्साइड लिंकेज आप लोग समझते हैं, परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, ऐसे इस तरीके दोनों ओ एटम पे एक एक नेगेटिव, दो ओ एटम होता है परऑक्साइड होता है। ऑक्साइड जानते हैं, ऑक्साइड में कितनी होती है आपकी, ऑक्साइड में कितनी होती है, ऑक्साइड आयन जानते हैं आप लोग, ऑक्साइड आयन जानते हैं, ऑक्साइड आयन क्या होता है, ओ पे -2 चार्ज, तो ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बोलो, -2 ही आएगी। जैसे आपका CO2 है, SO2 है, SO3 है, Na2O है, K2O है, ठीक है, इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब इसमें क्या होगा, इस सब में -2 ही होगा, है ना। वैसे एक और टर्म होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, जानते हैं आप लोग क्या होता है, KO2 होता है, RbO2 होता है, CsO2 होता है, सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है, सुपर ऑक्साइड जो आयन होता है वो क्या होता है, वो ओ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दो ओ एटम पे कितना नेगेटिव चार्ज है, दो ओ एटम पे कितना नेगेटिव चार्ज है, हाँ एक, दो ओ एटम पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ओ एटम पे कितना होगा, -1/2। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो पर एटम देखी जाती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो पर एटम देखी जाती है। कुछ लोग इसको ऐसे ही बताते हैं कि, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, पर एटम जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो देखी जाती है। ठीक है, एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखी जाती है इस तरीके से, है ना, ये रहेगा। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक एक ऑक्सीजन एटम की एक्स मान लो, 2 की 2x हो जाएगी,
क्योंकि दोनों को मिला के नेट चार्ज माइनस वन आया तो इसको माइनस वन के बराबर कर दो तो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ओके, ये तो भी ओ एटम की बात है ना। लेकिन अगर ओ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाए तब क्या होगा? जैसे ओ एटम अगर ऐसे जुड़ जाए, ओ एफ टू बना ले, ओ टू एफ टू बना ले या ओ एफ टू बना ले, तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा ये कहता है कि ओ एटम और एफ एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग हुई, ओ एटम और एफ एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? एफ की तरफ शिफ्ट होगा। और ओ एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? ओ एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्डिंग ये कह रही है कि ओ एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन में ओ एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, आपकी कैलकुलेशन में ओ एटम पे पॉजिटिव ही आना चाहिए। वो कैसे करोगे? एक ओ एटम का एक्स मानना, दो ओ एटम का दो एक्स हो जाएगा। एक एफ का माइनस वन है, दो का माइनस टू हो जाएगा। इक्वल टू जीरो करना, एक्स इक्वल टू प्लस वन आ जाएगा। या एक ओ एटम का ये माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस टू आ जाएगा। तो अब ये क्या होंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना चालू कर देंगे, प्लस वन और प्लस टू। ठीक है, ये तो हो गया ओ एटम का केस। नाउ नाउ डिस्कस द एच एटम। एच एटम का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बोलो? वो प्लस वन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कब? एच एटम दो तरीके कंपाउंड बनाता है। एच एटम की अगर हम बात करें तो एच एटम का जो बॉन्डिंग है वो दो तरीके से हो सकता है, एक मेटल के साथ, एक नॉन मेटल के साथ। ठीक है ना, मतलब बॉन्डिंग विद मेटल, बॉन्डिंग विद मेटल और बॉन्डिंग विद नॉन मेटल, है ना, इस तरीके से। बॉन्डिंग विद मेटल, बॉन्डिंग विद नॉन मेटल, इस तरीके से रहता है ना। मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, जैसे NaH है, KH है, RbH वगैरह है, इस तरीके से है। एक बड़ा फेमस कंपाउंड है LiLH4, सुना है आप लोगों ने? तो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज लेने की जिम्मेदारी मेटल की हो जाती है। तो ये प्लस वन बनाता है, माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन होगा, माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन होगा, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वन, प्लस थ्री और माइनस वन हो जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है बोलो? वो माइनस वन निकल के आती है। ठीक है, और बॉन्डिंग विद नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो, है ना, नॉन मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है? नॉन मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है? प्लस वन रहती है। जैसे आपका CH4 है, जैसे आपका अमोनिया है, जैसे आपका PS3 वगैरह है। ठीक है, इन सब में जो होगा नॉन मेटल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, एच एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है? प्लस वन हो जाता है ना, इस तरीके से। जैसे आपका HF है, HBr है, HCl है, HI है, इन सब में प्लस वन होगा। ठीक है, इन सब में प्लस वन रहता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो एच एटम के बारे में हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हेलोजन एटम के बारे में। तो हेलोजन एटम में एफ, Cl, Br और I, तो ये जो एफ एटम है ये तो मैंने बता दिया माइनस वन ही होता है। Cl, Br, I की बात करते हैं। तो Cl, Br, I में क्या होता है कि वैसे तो इन जनरल क्या होगा इनका, इन जनरल ऑक्सीजन नंबर क्या होता है बताओ? माइनस वन होगा। लेकिन अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ते हैं, जैसे मान लो HClO4 है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो Cl एटम है वो चार चार ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में क्या होगा? इस Cl एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बॉन्डिंग क्या बता रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या बता रही है? क्या बता रही है कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, है ना, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए।
तो जब भी हेलोजन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ते हैं, जब भी हेलोजन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना शो कर देते हैं। तो यहाँ तो सीएल जो है ना अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओ एटम से काफी सारे बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? वही तरीका है, सिंपल। HClO4 में आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दो कि मुझे सीएल का निकालना है। एच एटम क्योंकि नॉन मेटल से बॉन्डेड है तो +1 देगा, सीएल का पता नहीं है एक्स मान लीजिए, ओ एटम का इन जनरल आएगा -2, तो -2 × 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ अगर आपसे कोई कहता है कि आईसीएल में आई एटम और सीएल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कैसे बताओगे? बोलो। यस। अब दोनों ही हेलोजन है, अब दोनों हेलोजन है, दोनों का अधिकार -1 पे है कि नहीं? बोलो। आई एटम भी हेलोजन और सीएल एटम भी हेलोजन, और दोनों का अधिकार -1 पे है या नहीं है? यस और नो, जस्ट टाइप यस अगर आपको आवाज मेरी समझ में आ रही है। दोनों का -1 पे अधिकार है ना? लेकिन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आई और सीएल में सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सीएल पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो बॉन्डिंग कह रही है कि नेगेटिव लेने का अधिकार किसके पास आ गया? सीएल के पास आ गया। तो फिर सीएल को क्या करना? तो फिर सीएल को -1 देना, इसको +1 दे देना, बस हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप आईबीआर में कर सकते हो। आईबीआर में भी क्या होगा? यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, ऐसे करके। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं किसके, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने के रूल्स हैं, है ना? इस तरीके से, है ना, इनको आप कर लेना थोड़ा सा। अब इसमें जो मोल है, मोल में बैलेंसिंग दे रखी है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, तो रिडॉक्स वाला पार्ट से सिखा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। डिस्प्रोपोर्शनेशन और वो सब बता देते हैं, बिल्कुल बता देंगे। चलो एक चीज और बता देता हूँ, मेटल के बारे में रह गया थोड़ा सा डिस्कशन। तो मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो एस ब्लॉक में, एक पी ब्लॉक में मिलेंगे। तो पहले हम लोग एस ब्लॉक वालों की बात करते हैं। एस ब्लॉक में अपने पास दो फैमिली हैं, एक तो है हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप और एक है सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का नाम हमने दिया है अल्कली मेटल और इसका हमने दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसमें इसमें है लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, फ्रांसियम, फ्रांसियम के मतलब नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इनमें हमेशा जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज लगता है, इनमें हमेशा दो पॉजिटिव चार्ज लगता है और ये कभी चेंज होते नहीं है। बस याद कर लीजिए इनकी, इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? बोलो। +1 आता है। इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आता है? बोलो। +2 निकल के आता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मेटल के, आपको जो मेटल दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो मेटल है इनके ऊपर जो आपको चार्ज दिखाई दे रहा है वो इनका रियल चार्ज भी है,
और वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो जो मैंने आपको बोला था कि कभी कभी जो इमेजनरी चार्ज होता है वो कभी कभी रियल चार्ज की तरह दिखाई भी देता है, तो लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, ये जो दिख रहा है ये इनका रियल चार्ज भी है और ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। और इनके ये जो चार्जेस होते हैं या जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये एज इट इज मेंटेन रहते हैं रिएक्शन के दौरान, ये चेंज होते नहीं है। इनके चार्जेस को चेंज करने की ताकत जो है ना वो किसी के पास होती नहीं है, नहीं हो पाती है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जानते हैं आप सब लोग, सुना है आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सुना है? हाँ सुना है कि नहीं सुना है, बोलो। हाँ तो डी ब्लॉक जो है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो या तो +2 या +3 है, सबसे कॉमन यही है। लेकिन दीज एलिमेंट कैन शो, दीज एलिमेंट्स कैन शो 0 एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो, ठीक है। दीज एलिमेंट कैन शो 0 एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो, 0 और नेगेटिव दोनों तरीके के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनको जो है ना वो क्या करता है, शो करता है ना, ठीक है। दीज एलिमेंट कैन शो 0 एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो, है ना, ठीक। तो ये कहते हैं दीज एलिमेंट कैन शो 0 एंड नेगेटिव ऑक्सीजन नंबर ऑल्सो, है ना। कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, FeCO5 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, CrCO5 होल 6 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, VCO6 में वेनेडियम का ऑक्सीजन नंबर। क्या लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है, सीओ पे चार्ज कितना आएगा, बोलो। 0 आएगा ना, तो निकल पे भी 0 होगा, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, है ना। लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट इस तरीके के कंपाउंड भी बनाते हैं, यानी VCO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये होल 6, इस तरीके के कंपाउंड भी बनाते हैं। आप मुझे यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीजन नंबर बता सकते हैं NaVOCO6 में? क्या आ रही है, -1 आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो सोडियम पे आपने +1 लिया, वेनेडियम का आपने एक्स लिया, इसका आपने 0 × 6 लिया, इक्वल टू 0 किया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, बोलो, -1 आ गया। तो ये सब एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाह रहा था कि देखो एस ब्लॉक वाले जो मेटल है ना, मेटल का जब सामने आता है तो लोग मेटल के बारे में ऐसा समझते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही लेगा, कैटायन ही बनाएगा, प्लस चार्ज ही अपने ऊपर ला सकता है ना, इस तरीके की फील रहती है, ठीक है। ये फील भी ठीक है, लेकिन वो फील एस ब्लॉक तक सीमित है। अगर आप डी ब्लॉक के वगैरह के एलिमेंट में आएंगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ना डी ब्लॉक में डी से डरावनी हो जाती है ना, थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी देता है, वेरिएबल कई सारी ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, और कभी कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी दे सकता है ना। तो ये हो गया, और कुछ बचा आपका? क्या आप सभी लोग ये जानते हो कि अगर ये हुआ, मतलब जैसे मान लो KMnO4 है, Mn का ऑक्सीजन नंबर निकालना है और MnO4 -1 है, तो यहाँ पे आप के Mn का x मानोगे, यहाँ भी आप Mn का x मानोगे, यहाँ जब लिखोगे तो 1 + x − 2 × 4 = 0 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे x जो है ना -2 × 4 = -1 लिखोगे,
ये पता है आपको। हाँ, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में टोटल जो भी एलिमेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 होता है, और किसी भी चार्ज स्पीसीज में चार्ज के बराबर होता है। चार्ज स्पीसीज में चार्ज के बराबर होता है। आ रही बात समझ में, है ना? इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। एक एक रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन दे दिया आपको 10-20 मिनट में ऑक्सीजन नंबर का। ठीक है, ओके। नाउ आपको बैलेंसिंग सिखा देते हैं फटाफट। तो बैलेंसिंग ऑफ रॉक सेक्शन में क्या होगा, पहले आप लोग एक 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 चीज सीख लो, उसके बाद आप काफी जल्दी कर पाओगे, और वो होता है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। है ना? वैलेंसी फैक्टर, या आप लोगों ने, हो सकता है आपको किसी ने पढ़ाया हो एन फैक्टर पढ़ाया हो। यही पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है आपने? वैलेंसी फैक्टर पढ़ा है, एन फैक्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बताओ भाई आप लोग। एन फैक्टर पढ़ा है, ठीक है। मैं वैलेंसी फैक्टर ज्यादा बोलता हूँ, है ना? तो जो है ना, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जो भी है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लिए। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इन रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें जो वैलेंसी फैक्टर की डेफिनेशन है वो ये है कि टोटल टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या मोल ना। एक मॉलिक्यूल जो है ना, एक मोल भी बन सकता है, आपको पता है ना? जो चीज एक में दिखाई देती है वही एक मोल में भी दिखाई देती है। तो जब आप मोल में काम करो तो मोल लिख देना, नहीं तो पर मॉलिक्यूल में काम कर लेना, एक ही बात है ना। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिखाता हूँ आपको। जैसे ऐसे समझ लो कि Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है, वो अपने आप को मान लो Cr3+ में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका Cr2O7 2 नेगेटिव का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ? 3 आएगा। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। आयुष का सही आया, सीताराम का सही आया है। और हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम जो करोगे वो करोगे इसका आयन का, पहले इस आयन में पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लो। कैसे लाओगे भाई? 2x-2 × 7 = -2। तो x = जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो +6 आएगा। तो डाइक्रोमेट आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 स्टेट में है। डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम एटम है वो +6 स्टेट में है, और कितने क्रोमियम एटम +6 स्टेट में है? डाइक्रोमेट आयन में कितने क्रोमियम एटम +6 स्टेट में है? 2, है ना? और यहां पे क्या लिखा है, टोटल चेंज। जो 2 क्रोमियम एटम, समझना ध्यान से, जो 2 क्रोमियम एटम +6 स्टेट में है,
जो दो क्रोमियम एटम प्लस सिक्स स्टेट में है, इन दोनों को अल्टीमेटली कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यस, दोनों को प्लस थ्री में जाना है। तो तीन का चेंज इसके लिए होगा, तीन का चेंज इसके लिए होगा, तो टोटल चेंज कितने का हो गया? छः का। इसीलिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा? इसीलिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बोलो? वो सिक्स आएगा। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा? सिक्स आ जाएगा। या फिर मैं एक तरीका, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो निकल के आएगा वो सिक्स निकल के आएगा, है ना? या फिर मैं एक तरीका और भी आपसे कह सकता हूँ इसके लिए, क्या कह सकता हूँ कि ऐसे कर सकता हूँ कि डेल्टा मतलब चेंज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, एक एटम के लिए तो तीन आएगी, छह से तीन एक एटम के लिए ना, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो एक मॉलिक्यूल में दो क्रोमियम एटम है, दो, तो एक एटम के लिए तीन का चेंज, दो एटम के लिए छह का चेंज, एक एटम के लिए तीन का चेंज, दो एटम के लिए छह का चेंज, तो तीन इंटू टू करके छह आ जाएगा आंसर। क्या ये समझ में आया? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल टाइप SCR, सुपर क्लियर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पे। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है Fe2O4 का, फेरस ऑक्सलेट, है ना? इस साल आया भी था अभी। फेरस ऑक्सलेट है ना, ठीक है? तो फेरस ऑक्सलेट में क्या होगा? Fe2O4, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो ये Fe3+ में चला जाता है और CO2 में चला जाता है। तो ये यहाँ पे जो आयरन का स्टेट है, फेरस है ना, फेरस तो +2 स्टेट है, कार्बन का निकाल के देखोगे तो -3 आए, +3 आएगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे देखोगे तो कार्बन +4 में है, तो हुआ ये है कि ये +3 से कार्बन कहाँ गया है? +4 में ऑक्सीडाइज होकर। और यहाँ पे आयरन +2 से कहाँ गया है बोलो? +3 में गया ऑक्सीडाइज होकर। कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर बताओ Fe2O4 का, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल देखना है आपको, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल देखना है। लगभग सबका ही सही आया, तीन आ रहा है ना, ठीक है। तो कैसे किया, कैसे किया? एक तो Fe2+ जो था, एक तो जो Fe2+ था उसने अपने आप को Fe3+ में भेजा, तो यहां चेंज कितने का आया? एक का आया। फिर जो C2O4 नेगेटिव था ऑक्सलेट आयन, उसका जो कार्बन +3 स्टेट में था वो चला गया CO2 में +4 स्टेट में, क्योंकि तो यहाँ पे जो कार्बन था वो किसमें था? +3 स्टेट में था ऑक्सलेट आयन में, लेकिन ऑक्सलेट आयन के पास +3 वाले दो कार्बन है। आई रिपीट, ऑक्सलेट आयन के पास +3 वाले दो कार्बन है, वो दोनों कार्बन कहाँ चले गए? +4 में चले गए। तो +3 से +4 में गए तो एक का चेंज, लेकिन एक का एक के लिए, दो का दो के लिए, तो यहाँ पे जो आएगा इनके लिए यहाँ पे 2 यूनिट आएगा चेंज, तो ये दो और ये एक मिला के टोटल चेंज अगर उसका लिखोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आज तो इतना बता दिया, कल बैलेंसिंग बता के रियल गैस चालू कर देंगे, थोड़ा बस बस बैलेंसिंग ही पढ़ाएंगे और उसके बाद रेडॉक्स प्रॉपर तरीके से, जो अलग तरीके का रेडॉक्स है वो फिर बाद में पढ़ाएंगे, केवल आपका मोल के हिसाब से कर देंगे।
हाँ ऑक्सलेट आयन में, नहीं ऑक्सलेट आयन में तो +3 आएगा ना, चेक करके देख लो आप, आंसर लिया तो +3 आएगा ना बेटा, 2x -2 × 4 = -2, तो 2x - 8 = -2, x = +3 आ ही रहा है, ठीक है आंसर x = +3 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से सुना रही, ठीक है चलो आप लोग भी ब्रेक ले लो है ना, यहाँ तक करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे।